हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। आज संडे है और संडे को मैं संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, लेकिन लास्ट वीक आप लोगों के लिए संडे स्पेशल वीडियो में बना नहीं पाया था। एक्चुअली रीज़न क्या था, कई बार इस तरह की घटनाएँ घट जाती है कि आपको इमरजेंसी कॉल आता है और आपको जाना पड़ जाता है। तो लास्ट संडे को मेरे ससुराल में जो है मेरे साला लोग आपस में लड़ गए थे, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। उन लोगों ने कॉल किया और मुझे जाना पड़ गया, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था। इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस संडे नहीं होगा तो अगले संडे जरूर होगा। किस तरह का झगड़ा हुआ था इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है जो सबके लिए उपयुक्त है। मैं बिना झगड़े को लेकर ही मैं उस सेंटेंस को सिर्फ बतला दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। और लास्ट वीक से उसके लास्ट वीक जो मैंने वीडियो बनाया था, उस बार मैंने कहा था कि इस बार मैं आप लोगों को गार्जियन के लिए, स्पेशली गार्जियन के लिए मैं वीडियो बनाकर दूंगा, या फिर इस वीडियो में मैं गार्जियन के लिए कुछ ऐसी विशेष बात बतलाऊंगा। लेकिन सिर्फ गार्जियन के लिए ही ये वीडियो नहीं होगा जो बातें मैं बतलाऊंगा। एक्चुअली क्या है कि सभी लोग गार्जियन हैं, और जो गार्जियन नहीं हैं वो आने वाले समय में गार्जियन बनेंगे, इसीलिए सबके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, आपको मैं पहले बतला चुका हूँ, जो बातें मैं यहाँ बतलाता हूँ वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रहता है। बच्चे किसे प्यारा नहीं, मैं समझता हूँ हर गार्जियन को फर्स्ट प्रायोरिटी, जितने भी लोग काम करते हैं, आप लोग खुद सोच लीजिए, जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, दिन भर यहाँ से वहाँ भागदौड़ कर रहे हैं, इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सीधे सी जवाब इसका होगा कि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका बच्चा। अगर आपका बच्चा का भविष्य, आप उसके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, आपका बच्चा का भविष्य अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात होगा। जिसके पीछे कारण हो सकता है, या तो गार्जियन कारण होता है, या बच्चे जो है माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, गलत संगति में पड़ जाने के कारण ऐसा हो सकता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ फ्यूचर बच्चों का खराब होने का, क्या है कि गार्जियन जो होते हैं, अगर गार्जियन हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा करते हैं तो फिर बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। मैं गारंटीड बतला सकता हूं कि जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, उसके बच्चों का जिंदगी खराब होने वाला है, श्योर है। आप कागज पे लिखना है तो आप कागज पे लिख लीजिए, श्योर मैं बतला रहा हूं, उसके बच्चों के लाइफ जो है आने वाले समय में अंधकार में होने वाला है। हाँ, हो सकता है कि बच्चे में अगर इतना टैलेंट हो तो अपने फ्यूचर को बाद में फिर वो ठीक कर सकता है, लेकिन एक इस तरह का बच्चा जिसका गार्जियन पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी प्रॉब्लम होता है, पढ़ा लिखा ही नहीं समझदार गार्जियन हो, और एक गार्जियन जो आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ा करता है, तो उस गार्जियन से बेहतर इस गार्जियन जो समझदार गार्जियन है उसका बच्चा का फ्यूचर होगा। आप खुद ही सोच सकते हैं, हो सकता है कि आप बोलें कि आपको कैसे पता, आप जो बतला रहे हैं आप कैसे जानते हैं, तो फिर आप मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इसका बड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं इसके बारे में आगे कुछ नहीं बोलूँगा, एक्चुअली आप समझदार हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ को प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक ऊँचाई पर ले जा सकूँ। हालाँकि हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ या ना हो, लेकिन प्रयास करना, प्रयास करते रहना ही जीवन है। जीवन में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी ये हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में है कर्म करना। इसीलिए बिना सफलता असफलता की बात सोचे हुए मैं अपना काम करता रहूँगा, और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप भी अपना कर्तव्य जो है उसको निभाते रहिए। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात गार्जियन को बतलाना चाह रहा था कि आप लोग आपस में किसी भी स्थिति में झगड़ा ना करें, और झगड़ा ना करें मैं बोल देने से झगड़ा नहीं होगा ऐसा नहीं है, झगड़ा होगा, कन्फर्म है झगड़ा होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन झगड़ा को आपको जल्दी सॉर्ट आउट करना होगा। कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, लेकिन शाम को, रात को नहीं। इसीलिए अपना झगड़ा जो आप लोगों का किसी भी स्थिति में आप सॉर्ट आउट कीजिए, तो सॉर्ट आउट कौन करेगा, ये हस्बैंड, ये वाइफ, दोनों जो है ये बोले कि मैं झुकूंगा नहीं, और हस्बैंड बोलेगा कि मैं झुकूंगा नहीं, तो फिर कैसे झगड़ा खत्म होगा? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जेंट्स लोगों से, हस्बैंड लोगों से, क्योंकि वही समझदार होते हैं, मतलब समझदार तो दोनों होते हैं,
लेकिन फिर भी मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं मेरे साथ जब झगड़ा होता है तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं खुद हार जाता हूँ, चलो मैं हार गया कोई बात नहीं तुम जीत गई। इसी तरह से मैं जेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा झुक जाए, हो सकता है लेडीज भी झुक जाए तो अच्छा बात है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा झुक जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे का फ्यूचर बचा रहेगा। या फिर आप देख लीजिए कि आपके बच्चे का फ्यूचर से क्या आपका झगड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको झगड़ा खत्म करना है या अपने बच्चे का फ्यूचर अंधकार में डालना है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका बच्चा का फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए झगड़ा किसी भी स्थिति में आप सॉर्ट आउट कीजिए। और जेंट्स लोगों के लिए स्पेशली, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। तो एक्चुअली लेडीज लोगों को भगवान भी समझ नहीं पाए तो फिर हम और आप क्या है। तो इसीलिए आप झुक जाइए, वही सही है। और अगर आपको झगड़ा करना ही है तो ठीक है, फिर जो है आप अपने बच्चों का जो है फ्यूचर एक अच्छे जगह पे पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद फिर आराम से आप लोग झगड़ा कीजिएगा। लेकिन आप सोचिए कि उस समय हमारी या आपकी उम्र जो है बुढ़ापे की उम्र हो जाएगी, और फिर बुढ़ापे में आप झगड़ा करेंगे, फिर आपके बच्चे जो है आपको समझाने आएंगे कि ऐसा मत कीजिए, तो फिर आप उस समय बोलेंगे कि अरे ये आज का झगड़ा नहीं है, हम लोग उस समय ही झगड़ना चाहते थे लेकिन उस समय झगड़ नहीं पाए थे तो इसीलिए आज झगड़ा कर ले रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। इसीलिए अगर आप बुढ़ापे में झगड़ा करेंगे तो उतना टाइम निकलने के बाद फिर आप झगड़ा नहीं कर पाएंगे, तो आपका लाइफ भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों का भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। स्पेशली मैं इसी चीज़ को बतलाना चाह रहा था क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत रहा हूँ, भुगत चुका हूँ, अभी भी भुगत ही रहा हूँ। इसीलिए आपके लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में ये चीज़ ना आए, इसीलिए मैं ये बात बतलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ रहा था। तो नेक्स्ट वीक मैं इसी तरह का एक बढ़िया टॉपिक लेकर मैं आप लोगों से मिलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और आपके आसपास जितने भी गार्जियन हैं उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए। तो यहीं पे यह वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।